तो वो जो आज हमारी जो क्लास है, ये आज हमारी क्लास है सॉलिड स्टेट का डिस्कशन। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के डिस्कशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी 102। तो चलिए डीपीपी 102 में सबसे पहले मैं लेता हूँ डीपीपी नंबर 1। डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में कोई डाउट? तो यहाँ पे जो है बच्चे ने पूछा है अपन से, क्वेश्चन पूछा है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं था। पांचवे क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चा कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, पहला ऑप्शन तो है इक्विवेलेंट पॉइंट इन यूनिट सेल ऑफ पीरियोडिक लैटिस लाई ऑन अ ब्रेविस लैटिस। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब ये होता है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, और ब्रेविस लैटिस होता है कि किसी भी अरेंजमेंट में जितने हम पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हैं उनके उनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस जो है वो इक्विवेलेंट पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ब्रेविस लैटिस जो है वो 2D में पाए जाते हैं 5, और 3D में पाए जाते हैं 40। ठीक है, तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट हमारा सही है वो स्टेटमेंट हमारा कौन सा सही है? डी ऑप्शन पढ़ेंगे, सी ऑप्शन पढ़ेंगे। तो 4 ब्रेविस लैटिस इन 2 डायमेंशन गलत है, और देर आर 5 ब्रेविस लैटिस इन 3 डायमेंशन ये भी गलत है, क्योंकि 3D में ब्रेविस लैटिस की संख्या 14 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। पांचवा क्वेश्चन, आगे बढ़ना है हम क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो बच्चे ने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेवन क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, बीसीसी के बारे में बोल रहा है, विद द एज ऑफ यूनिट लेंथ 5.2 एमस्टोन। एज यानी ए दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर इज, पर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर ये मैंने बीसीसी स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एटम हमारे जो है सारे कॉर्नर्स पर हैं, और यहाँ पे हमारा एक बॉडी सेंटर पे एटम रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ तो नियरेस्ट सबसे ज्यादा ये वाला होगा जो बॉडी सेंटर पे। कैसे? ये डिस्टेंस होती है √3a/2। ये एटम जो एज पे होता है इसकी डिस्टेंस होती है ए, और ये एटम जो बॉडी फेस पे होता है बॉडी डायगोनल के अलोंग, ये डिस्टेंस होती है √2। तो सबसे कम लीस्ट कौन सा है? ये वाला है, यानी कि √3a/2। ये मुझसे आंसर जो पूछा है, और ए आपको दे दिया क्वेश्चन में 5.2 एमस्टोन, तो रखने पर आपको क्या वैल्यू निकालनी है? √3a/2। ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये नियरेस्ट एटम जो है इसका ये वाला होगा। 9 to 12 में देख रहे हैं। ठीक है, तो 9 to 12 में बच्चे ने पूछा है आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कंसिडर ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट डीई डी एफ डी एंड डी बी डी। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एटम अलोंग द एज, द फेस डायगनल, द बॉडी डायगनल रेस्पेक्टिवली, द ऑर्डर इज गिवन बाई। तो आप ये समझ लीजिए वही क्वेश्चन है, पुराना वाला क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोने पे एटम बना लेता हूँ तो अलोंग द एज तो ये वाला एटम होगा जिसमें अलोंग द एज डिस्टेंस होगी ए, अलोंग द फेस डायगोनल ये वाला एटम होगा और ये डिस्टेंस होने वाली है √2a। ठीक है, डी एफ डी बराबर √2a, और अलोंग द बॉडी डायगोनल नियरेस्ट एटम होगा ये, और ये डिस्टेंस होगी √3। पिछला क्वेश्चन ये सेम √3a/2। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें लीस्ट है और ये वाला इसमें हाईएस्ट है। तो ऑर्डर हमने लिख दिया है बॉडी डायगोनल सबसे कम, फेस डायगोनल सबसे ज्यादा, और अलोंग द एज बीच में। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 9 क्वेश्चन अपन ने देख लिया। चलिए इसके बाद जो बच्चों का नेक्स्ट डाउट है वो है डीपीपी नंबर 2 में। 2 में हम देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों को डाउट है। तो 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है बच्चों को, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ ऑर्डरिंग क्लोज पैक शीट ऑफ इक्वल साइज स्फीयर डस नॉट जनरेट क्लोज पैक लैटिस। तो बच्चों ऐसा है कि क्लोज पैक लैटिस जो है, क्लोज पैक लैटिस जो है इसका मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम इज कवर्ड। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कवर्ड जो है अगर हम क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि जितनी जगह अवेलेबल है उसमें से ज्यादातर जगह जो है ये कवर कर चुका है। तो इसमें हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी एक लेयर बिछा दोगे तो अगली जो नेक्स्ट लेयर है वो वॉइड में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्लोज पैकिंग मानी जाएगी। तो यानी कि ए लेयर के ऊपर बी लेयर जो है वॉइड में आएगी, तो डेफिनेटली ए और बी लेयर जो है डिफरेंट होगी। इसका मतलब कभी भी बी इज नॉट इक्वल टू ए,
यानी कहीं पर मैं अरेंजमेंट लगा देता हूं इस तरीके से, जिसमें मैं सेम लेयर को रिपीट कर देता हूं ए ए को, ठीक है। इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा, ये क्लोज पैकिंग नहीं होगी। सो दिस इज नॉट क्लोज पैकिंग, ठीक है। सेम लेयर इज रिपीटेड, नॉट क्लोज पैकिंग। तो जैसे आप यहां देख सकते हो जो सी ऑप्शन दिया है इसने, आंसर इसका है नॉट क्लोज पैकिंग में। आंसर क्या आएगा कि सी में आप देख पा रहे हैं ए बी बी ए ए बी बी ए, इसका मतलब लेयर रिपीट हो रही है, बी के साथ बी लेयर क्लोज पैकिंग नहीं होगी। तो अगर सेम लेयर रिपीट होती है तो क्लोज पैकिंग में नहीं माना जाएगा। 5 to 8 में डाउट हम देख रहे हैं 6। तो छठे क्वेश्चन में आप ही देखिए बच्चों ने जो पूछा है, 6 क्वेश्चन में जो डाउट है, 6 क्वेश्चन में डाउट है वो आप पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन हम कि कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से, द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर इज गिवन एज 1.2 एमस्ट्रॉन्ग, एंड ये पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सियल लेंथ ऑन द एज ऑफ कॉपर। तो अब जो तीनों चीजें हैं उनको मैं यहां लिखता हूं। ये आपसे पूछ रहा है, एफसीसी इसने दे दिया, ठीक है। और एफसीसी देने के बाद ये पूछ रहा है एज लेंथ ए कितना है और आर दे दिया। तो आप सबको पता होगा कि एफसीसी के लिए रिलेशन √2a = 4r होता है। आर आपको दे दिया तो अननोन क्या बच गया यहां से, ए। तो सीधा फार्मूला पुट करेंगे एफसीसी वाले में और उससे अपना आंसर निकालो। इसके बाद बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, रीड आउट करते हैं। इन एफसीसी यूनिट सेल ए क्यूब इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स टू जनरेट अ न्यू क्यूब, देन द न्यू क्यूब वुड कंटेन वॉइड सेल्स। एफसीसी अपन जानते हैं और उसके अंदर एक छोटा सा क्यूब रखा है सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ज्वाइन करते हुए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे जब हम एफसीसी बताते हैं तो एफसीसी में जो वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बिल्कुल कोने के नजदीक होता है, ठीक है। और हर कोने के नजदीक में आपको पता है कि एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, सबको जोड़ते हुए एक मिनी क्यूब बना दिया। तो आपको ये तो पता ही लग गया कि मिनी क्यूब में कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड है और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे, 8, क्योंकि 8 कॉर्नर होंगे इस मिनी क्यूब के। और हर कॉर्नर पे रखी हुई किसी भी चीज का कंट्रीब्यूशन हम 1/8 लेते हैं तो इफेक्टिवली टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया 1। और इस मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर जो मैं देखूं तो ये इस बड़ी क्यूब का भी बॉडी सेंटर जो है यही होगा, मिनी क्यूब का भी बॉडी सेंटर यही होगा। और आपको पता है कि बॉडी सेंटर पर हमारे पास एक ऑक्टाइडल वॉइड होता है पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो इस मिनी क्यूब में जो वॉइड आने वाले हैं वो आंसर है 1 टेट्राहेड्रल वॉइड 1 ऑक्टाइडल वॉइड, ठीक है। तो ये आज हमने जो है ये डिस्कशन फिनिश किया है डीपीपी नंबर 2 में से। नेक्स्ट क्लास में हम डीपीपी 3 और 4 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। गुड नाइट बच्चों।